Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. So in today's tutorial we are going to do glass bottle painting. So इसके लिए हमें चाहिए एक वेस्ट ग्लास बॉटल जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और एक ग्लास पेंसिल मार्कर और सिंपली इसके ऊपर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे. आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं. मैं यहाँ पर सिंपली फ्लावर्स बना रही हूँ. अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई भी सिंपल डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. मीन सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर. कलर फिल करने के पहले हमें आउटलाइन बनानी होगी, तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल 3D आउटलाइनर. ये ब्लैक कलर में है, पर्ल ब्लैक कलर में. आप चाहे तो यहाँ पर ग्लास पेन के साथ जो आउटलाइनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं. बस डिफरेंस यही है कि ये थोड़ा थिन चलता है और वो काफ़ी थिक होता है. जब आउटलाइन कंप्लीट हो जाए तो इसे 15 टू 20 मिनट्स ड्राई होने दीजिए. फिलिंग के लिए आप यहाँ पर फेविक्रिल ग्लास कलर्स यूज़ कर सकते हैं. इस बॉक्स के अंदर 6 शेड्स आते हैं और 1 आउटलाइनर आता है. इस बॉक्स की प्राइस है 85 रुपीज़. बट मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि उन्हें फेविक्रिल ग्लास कलर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस केस में आप कैमिल के ग्लास कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये भी 6 शेड्स में अवेलेबल है विद आउटलाइनर. बट मुझे फेविक्रिल के शेड्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं बिकॉज वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है एंड शाइनी है. कैमिल के ग्लास कलर्स ड्राई होने के बाद थोड़े से डल लगते हैं, बट फेविक्रिल के ग्लास कलर्स का लुक सेम ही रहता है. आप फिलिंग डायरेक्ट बॉटल से भी कर सकते हैं और ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. आप अगर बिगिनर हैं तो प्लीज़ फर्स्ट आप OHP शीट्स पर ट्राई करें, और या फिर आप फ्लैट सरफेस वाली बॉटल्स पर भी ट्राई कर सकते हैं. बॉक्स के अंदर तो सिर्फ 6 शेड्स ही आते हैं. अगर हमें कोई नया कलर बनाना है तो सिंपली या तो हम प्लेट के अंदर कलर मिक्स करके बना सकते हैं. यहाँ पर मैं डार्क ग्रीन, येलो एंड ब्लू को मिक्स करके नया कलर बना रही हूँ जो कि लाइट ग्रीन कलर बनेगा. और इसे अच्छे से मिक्स करके हम ब्रश से इसे अप्लाई कर सकते हैं. हमें थोड़ा सा ही कलर चाहिए तो उसके लिए ये टेक्निक बेस्ट है. और अगर हम चाहते हैं कि कोई नया कलर बना के हम उसे स्टोर करके रखें, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल की एम्प्टी बॉटल, रेड कलर एंड ब्लू कलर. इस बॉटल को ओपन करके इसमें मैं कुछ कलर ब्लू का डाल रही हूँ और कुछ कलर रेड का मिक्स करूँगी. और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी. जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये पर्पल कलर बन जाएगा.
जब भी आप राउंड शेप की बॉटल्स पर पेंटिंग करते हैं तो हमेशा इसका एक साइड ड्राई होने दें, उसके बाद ही दूसरी साइड पर जाएं, अदरवाइज ये सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे टाइम ओवरलैप किए हुए कलर्स अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पर अगर ये फ्लावर्स के अंदर से बाहर आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फ्लावर्स के अंदर ही मिक्स हो गया तो नया कलर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ और बीच में मैं पर्पल डाल रही हूँ। अगर ये मिक्स हो गया तो ये अच्छा ही लगेगा, बट ये फ्लावर से बाहर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसे ड्राई होने दें, इसके बाद ही इसे टर्न करें। शेडिंग के लिए आप डायरेक्ट बॉटल पर भी कलर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे रेड और येलो कलर ले रही हूँ और इसे मैं ब्रश से स्प्रेड करूँगी। जब बॉटम साइड कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप बॉटल में ऊपर की साइड में पेंटिंग कीजिए, अदरवाइज जब आप वहाँ से होल्ड करेंगे तो कलर मिक्स हो जाएंगे। इन कलर्स को ड्राई होने में एटलीस्ट 4 to 5 hours लगते हैं। Thank you.
जब कलर्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश का करना है। वार्निश आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप वार्निश के लिए अगर कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इट्स रेडी। फेरी लाइट्स डालने के बाद ये बॉटल कुछ ऐसी लग रही है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आपको ये बॉटल कैसी लग रही है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, bye-bye. Take care.